अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाद्स चैनल। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पर बेहतरीन होंगे। रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग इफ्तार करने के बाद जो है वो व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि दिन एग्जैक्टली उसी के बाद ही शुरू होता है। तो जी अभी आज हम लोगों ने इफ्तारी करने के बाद, नमाज शमाज पढ़ने के बाद व्लॉग शुरू किया है और मैं आपको व्लॉग का सीन बता देती हूँ। उससे पहले ये कि अभी क्योंकि हर चीज से मैं फ्री हो चुकी हूँ तो मैंने सोचा पहले काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बाइनोमो का पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और वहां चल के आपको एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाकर बता देती हूँ कि ऐसे होता है। ठीक है, लेट्स गो। ओके, सो बाइनोमो की ऐप डाउनलोड करते साथ आपको एक इस किस्म का सिंपल सा इंटरफेस मिलता है और जो बात हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं कि रेफरल प्रोग्राम क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेक योर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर बाय इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू बाइनोमो। तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके इन बाइनोमो के रेफरल प्रोग्राम में ऐड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे दो डिफरेंट टीयर्स की जो कि बाइनोमो आपको ऑफर करता है। एक है प्रेस्टीज और एक है वीआईपी। जो वीआईपी कस्टमर्स होते हैं उनको चार डिफरेंट इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको अपनी किसी एक अनसक्सेसफुल ट्रेड पे जो कि आपने पिछले वीक में किया है उसमें 10% कैशबैक भी मिल सकता है। रिस्क फ्री ट्रेड्स होती हैं, एक्सेस टू बाइनोमो एक्स होता है और आपको एक पर्सनल मैनेजर भी मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड को ईजी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक रियल टाइम ट्रेड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इस पे ऊपर की तरफ 10,000 की ट्रेड कर लेते हैं। लेट्स सी। नहीं जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमने आज अर्न किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सा सीन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दैट्स इट। तो जी ये सारा काम है, ठीक है। और गजल जवाद फैमिली के लिए यहाँ नीचे प्रोमो कोड लिखा हुआ आ रहा होगा, इस प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलिएगा। इस प्रोमो कोड को यूज करके आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 50% तक का बोनस भी मिल सकता है। तो गो एंड डाउनलोड बाइनोमो ऐप और अपना काम शुरू करें। अब हम आते हैं अपने आज के व्लॉग की रूटीन पे। अभी हम लोगों ने आज जाना है क्योंकि जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि भाभी वगैरह जो हैं वो अशरफ भाई की ईदी ले आए थे, तो आगे क्योंकि हमारे वो शबे कदर के रोजे भी आ रहे हैं और आगे बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगी, तो हमने सोचा कि आज फ्री हैं, आज जाके पहले भाभी की ले आते हैं ईदी और वो पैक भी करानी है, सारा कुछ कराना है। तो अभी हम लोग चलेंगे वहां पर, निकलते हैं, नीचे चलते हैं, अम्मा लोगों से मिलते हैं और फिर अपना व्लॉग वहां से कंटिन्यू करते हैं और फिर वहां पहुंचकर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम टीचर, क्या हाल है टीचर? ठीक है, तबीयत ठीक है? तो मैं ठीक ठाक, अलग से दुद्दू भी ना लगी है। हाँ वो थोड़ा तो पता है, मैं डाइट डाइट अम्मा अल्लाह अल्लाह इतनी सख्त डाइट करती है ये जिसकी कोई हद नहीं है। इफ्तारी में कुछ नहीं खाती, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद या दूध पी लेंगी थोड़ा सा, हूं मैनू एनी जी फ्रूट चाट दे दो, बस इस तो होती ना देना। अम्मा डाइट कर रही है आजकल। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, बहुत अच्छी बहुत प्यारी, खुश रहो, शाद आबाद रहो, आमीन। और अल्लाह पाक कोई दुख ना दे सिवाय हुसैन, आमीन। अब ये है कि मैंने अपने बच्चों के लिए और आप सब बच्चे भी मेरे हैं, हाँ। उनके लिए मैंने जीना तो है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात हो सीरियसली, मोटिवेशन होती है फैमिली की तरफ से। पहले दोनों बेटे देते थे, अब मेरी तीरानी भी देती है और कहती है अम्मा बहुत अच्छी बात है, खुद चलती खुद फिरते खुद करने से जो मजा आता है वो वाकई किसी, हाँ। बाकी जो अल्लाह की तरफ से होना है वो तो होता वो है। तो है बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको हमारे सर पे सलामत रखे ना, ऐसी बात है। सब माए बाप माँ बाप बहुत जरूरी होते हैं, मुझसे ये मेरे वालिद साहब उधर खड़े हमें देख रहे हैं, तुम्हारी मेहरबानी, आ जाओ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। चले जी, हाँ जी, फैमिली ठीक ठाक। फैमिली आजकल मेरे पे तोमता लगाना शुरू हुई भी है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये दूध है इसको आप नूर भी कहती होंगे या, मैं ये कहती हूँ कि अगर इसमें थोड़ी सी भी एफर्ट की हो ना तो मैं इतनी खुश होती हूँ। अगर आप इसको मेरी मैं इसकी सास हूँ तो मैं तो इसकी माँ बन के भी कहती हूँ, और अगर आप मुझे सास की नजर से भी देखें तो आपको पता है सासे एवे नहीं किसी के वो, ये यही तो बात है, ये एक साइड की चीज देखते हैं दूसरी साइड की चीज देखते ही नहीं है।
कि नहीं भाई सारा कुछ चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं वो समझ जाएंगे यकीन करें। चलिए मैं ऐसे साफ भी कहती हूँ, बहुत कम होता है कि कोई अपनी लाई हुई बहू की, हालांकि मैं ये लफ्ज नहीं कहना चाहती लेकिन आप सबके लिए कि लाई बहू की तारीफ कर दी, बहुत कम है, मुट्ठी भर भी मेरा ख्याल नहीं है। और मैं हमेशा बैलेंस करती हूँ हर चीज को, और मुझे पता है उसकी इतनी सी एफर्ट्स है। हमारी जब बेटी पहले पहले रोटी बनाती तो हम टेढ़ी मेढ़ी, मैनू अपनी याद है, मैं छोटी जी ने मोटी छोटी पतली बनानी था, मगर वाह 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 क्या गल है, क्या बात है, क्या माँ थी जिसने मुझे पैदा किया। लेकिन अगर मेरी जो अगली माँ थी वो तारीफ करे तो फिर तो मैं समझे कहीं कि कहाँ पहुंच जाऊं। सही बात है, ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसी आपकी एफर्ट्स मायने रखती है, चाहे वो छोटी सी हो चाहे आपने उसको बड़ा सा बना के दिखाया हो। तो खैर चले कोई बात नहीं, निकले अम्मा जी जी जमी आज हम लेट्स गो जाएंगे आपकी छोटी बहना की चीजें देखने। ओह यस, मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं भाभी की चीजें देखने के लिए, और ये हमारे साथ इंसान नहीं जा रहे। वालेकुम अस्सलाम, कटिंग शटिंग कराने जा रहा हूँ। हाँ जी, जो आज सब कटिंग कराने जा रहे हैं, हमारे पे एहसान करने जा रहे हैं ये। अब हम लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह आपको पहुंच के वहां मिलते हैं। मैं अम्मा अशरफ भाई जिनकी बेगम की चीजें लेने जानी है, और मेरे लुकट्टा साथ में, और हमारे वालदा, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। अब लेट्स गो। अल्लाह अकबर। Few inches later, अम्मा यहाँ कौन सी मिठाई बिक रही है? ए भी मेरा खाले अपनी अपनी ईदी लेने आए सारा जान ही निकला हुआ भाई। अभी तो 15 रोजे नहीं हुए शुरू से, अभी से आए, पहले सूट देख लेते हैं और फिर सूट के बाद वहाँ से जूता भी देख लेंगे, ठीक है जी। वाह, सारी जलालत देखने के बाद अब एम्पोरियम बंद होने लगा था, तो हमने सोचा कि जहाँ हम सबसे पहले गए थे वहीं से सूट लेके घर चलते हैं, क्योंकि औरतों का मसला। हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था कि यही ले लेते हैं। हाँ नहीं, वो हमें औरतों का मसला है ना, हमने देखना सब कुछ होता है, लेना वही होता है जो हमने सबसे पहले डिसाइड किया होता है कि ये ले लेंगे। अभी वो सूट निकलवाया है वो लेते हैं, और फिर आगे जाएंगे जूते के लिए, वो देखेंगे। अभी आज ही जाना पड़ेगा या कहीं आगे पीछे देखते हैं, अगर कोई शॉप खुली हुई कोई ब्रांड खुला हुआ तो। यार ये जो अम्मा परफ्यूम है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है ना, लाइट सी है, ज्यादा वो वाली नहीं है, नाइस है ना, एक ही लेते हैं ना। हाँ, फैमिली को घर जाके दिखाई। हाँ जी ठीक है, घर जाके आपको मैं खुद स्मेल करके बताऊंगी, इलैबोरेट करूंगी स्मेल है कैसी, ठीक है। नहीं जी, हम निकल आए हैं एम्पोरियम से वापस, इतना कुछ ज्यादा व्लॉग हम बना नहीं सके बिकॉज बहुत शदीद रश होता है भाई एम्पोरियम में, फॉर नो रीजन बहुत रश होता है उधर। जीजा घबरा गया सी ते असी हुन पीन लग्या अब थोड़ा जा शेक, नहीं मैं शेक नहीं पीना, की कहना तुमसे ना हो पाएगा, जूस पीन लग्या सी, ठीक है। दिल जा घबरा गया सी रश वेख के ते हुन जूस पियांगे। लाओ जी मेन्यू देखो जी, जरा चेक इनसे, नहीं ये नहीं मैंने देखना, इनको बस कहीं ऑरेंज जूस दे दे। ऑरेंज जूस यार तुमने पीना है, आपने पीना है बाबा? नहीं 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 अम्मा, नहीं मैं नहीं, नहीं जी सिर्फ मेरा ही घबराया, और किसी का नहीं घबराया। नहीं मेरा भी घबराया लेकिन मैं जरा टाइट थी ना। अच्छा यार, कजन से अम्मा बहुत सख्त टाइट करती है, हम लोगों से ना हो पाएगा कभी। खैर अभी जूस पीते हैं और फिर घर चलेंगे, जो तब तक अपनी शेव शूव कराए होंगे तो फिर हम उनकी चल के लगाएंगे किट, जो कि वो इंसान लगाने नहीं देते, मगर स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम जाके जवाब की किट ले जाए। वैसे ओदे नाल गल करना बंदे तो उंजी हसन नहीं, वो फौरन ही ऐसे पलटा के देते हैं ना जुगत, दो टाइम मल्टीप्लाई बाय टू करके कि अगला बंदा कहता यार मैं की ही अनु जुगत मारा। चलते हैं घर इंशाल्लाह, तो पहुंच के फिर जवाद को जुगते मारेंगे क्योंकि वो आज अपनी शेव करा के आ रहे हैं। लेट्स गो। जूस पीते पीते हम रुक गए हैं क्योंकि हमें स्टाइलो एक जगह पे खुली नजर आ गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जूता, क्योंकि जूता रहता है भाभी का, वो हो गया सूट हो गया, उनकी वो भी परफ्यूम भी हो गया, जूता रहता है। तो अभी हम जाएंगे स्टाइल अंदर, वहां देखते हैं, अगर जूता हमें नजर आता है तो ठीक है, अगर नहीं नजर आता तो फिर हम कर लेंगे। तो लेट्स गो अंदर चलते हैं, अभी पहले देखते हैं। हम गए हैं थक, और अम्मा अब देख रही हैं भाभी के लिए जूता, और मैंने जूता लेके पहन भी लिया, ये देख ठीक है, हमने जो जूता लिया हमने वो पहन भी लिया है कि भाई ये हमें बना दें, आप बिल करा दिएगा बाद में, मैंने पहन लिया। कुछ पसंद आया? हाँ मैंने दिखाओ ना, मशहूर दिखाया था मैंने जो लिया। ये अम्मा का है? हाँ ये है अम्मा का, वेरी नाइस, वी लाइक इट। और भाभी के लिए कुछ पसंद आया? हाँ वो जूता लिया, हाँ
चले वो मैं घर जाके दिखाता हूँ, हम घर जाके उसका बिल शुल करा के घर चल के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तब तक जवाब भी आगे होंगे, उनकी कॉल आई है मैं आगे हूँ, उन लोगों को कितनी देर है तो थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उनसे भी मिलते हैं। होम स्वीट होम। अच्छा जी, हमें घर आए हुए कोई ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं, और 1 घंटा 20 मिनट बाद एक दुल्हन निकली है वॉशरूम में से, जो 1 घंटा 20 मिनट लगा के दुल्हन तैयार हुई अंदर और बाहर निकली है, और ये तब से सर से उतार नहीं रही कपड़ा कि नहीं मैंने नहीं दिखाना है। बस करो जुल्फों वाली माई, इधर आगे बैठो दिखाओ क्या शाकार किया है। असल में मैं आपको बता गई थी कि जवाब साहब हमारे साथ नहीं गए थे, हम लोग अकेले गए थे और ये गए थे कटिंग कराने के लिए, कटिंग और शेव और सारा कुछ, राइट। आके बैठे इधर दिखाएं क्या किया आपने। आए हैं तो टोपी ली हुई थी, वॉशरूम में गए हैं, नहाए हैं, नहा के वापस आए हैं, और मैंने अभी तक नहीं देखा। 3 2 1 यार जवाब ड्रामे ना करो यार, जल्दी करो। यार ये टकला हो गया, यार क्या पता भी क्या टकला, कोई टकला नहीं, अच्छा लग रहा है, हीरो लग रहा है पूरा, अच्छा लग रहा है। बस कर दे ऐसे भाई भाई, उन्होंने मैं की कब अम्मा माओ के बच्चे हीरो ही होंगे, की हो तो मेरा शिद्दत रोमांचिक लग रहे हैं। अच्छा ये वाली जिंदगी में एक रोमांचिक मोड़ आ गया, उसने कहा बड़े भी रख लिए, छोटे भी रख लिए, बहुत छोटे भी रख लिए, लेकिन कसम से पर्सनली मुझे इतने बालों में अच्छा लगता है। अच्छा जी ठीक है, ये इनसे पूछें हमारी फैमिली से कि भाई, हाँ जी जी आप बता दें कि ये शाकार क्या क्या मतलब हुआ है। बात ये है सारी के इधर बैठ के बता दें क्या इधर। देखिए जी बात सारी ये है कि मैंने मोस्टली छोटे बाल ही रखे हैं अपनी लाइफ में, तो शादी के मंगनी टाइम के टाइम भी मेरे छोटे बाल थे, उसके बाद गजल ने कहा आपने नहीं कटवाने, तो मंगनी मेरी हुई थी 2022 के अंदर, उनसे पूछ रहे हैं 5 मार्च 2022 जगह भी दस देने हैं। तो उस दिन के बाद मैंने आज कटिंग करवाई, और आज मजे की बात है 24 मार्च, मतलब के 2 साल और तकरीबन को 17-18 दिन ऊपर हो गए हैं। ये 2 साल 17-18 दिन रेगुलर नहीं रखे, बीच में कटवाए हैं, मतलब इतने छोटे नहीं कभी कराए, छोटे नहीं करवाए। हाँ उतने छोटे नहीं कराए, दिल कर रहा था दूसरे यार गेम करता हूँ तो ना बहुत ज्यादा उलझन होती है, फिर इतने में दाढ़ी वगैरह भी हल्की करवा ली है और कटिंग भी मैंने जरा करवा ली, और ये फिर मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में या हमने ब्लेड लगवाया, हालांकि मैं ब्लेड वगैरह नहीं लगवाता, मुझे जरा मेरी जरा स्किन है सेंसिटिव है, या मुझे लगता है वह है मेरा कि यार दाढ़ी चाहे निकलाने हैं, तो ये मैंने मान गया जिंदगी में पहली दफा इंसान माना है कि मुझे वह में होता है ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये फिर गजल के कहने पे करवाया, गजल आपका शुक्रिया, मगर इसके लिए यार जरा परेशान हो जाओगी, नहीं कोई बात नहीं, आपके हक में कर देंगे, मेरे हक में कमेंट्स नहीं आते, आपके हक में आ जाते हैं। अच्छा एक मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें इतनी कोई पेट्रियार्कल सोच है ना हमारी ये आवाम की जिसकी हद नहीं है, क्या हुआ मतलब कि हम नहीं जवाद भाई भी बिल्कुल ठीक है, उधर से रज भाई भी बिल्कुल ठीक है, एक गलत है ना तो सिर्फ एक गजल गलत है, उसकी वजह पता है क्या, भाई लोग का फैन पेज चल रहा है। हाँ, भाई भाई जवाब भाई भाई लोग के साथ चलना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, बताएं शॉपिंग कैसी हुई है। हाँ अम्मा वो दिखाएं, इसीलिए तो मैं बैठी हूँ, सामान दिखा दें आपको, क्योंकि आप तो जाते नहीं है ना, आप अपनी बीवी के टाइम पे जाते थे ना, अब आप जाते हैं तो आप अपने कामों में निकले रहते हैं, तब भी आपकी बीवी ही लगी हुई थी, अभी भी आपकी बीवी ही लगी हुई है। को बिहाइंड द कैमरा हमारी बात हो चुकी है, खौफे खुदा किया करें, खौफे खुदा किया करें, वो पीछे हटे ना जरा, पीछे हटे थोड़ा सा पीछे, वो जो इंसान पीछे बैठा है ना जी 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 जी, उनकी आदत मुझे इतनी पसंद है कि उन्होंने अपनी बीवी कोई चीज लेनी हो तो वो खुद जाते हैं साथ, विच आई लाइक, यू नेवर वेंट टू एनीवेयर, जब हमारी अपनी भी शादी हो रही थी तुम कहीं नहीं गए देखने के लिए कि कुछ पसंद है कि नहीं। बड़े अच्छे से एक बात मैं कहना चाह रहा था, अच्छा फैमिली भी सुन रही है और घर की फैमिली भी सुन रही है, अब मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई नो दैट और नहीं यार आई ऑलरेडी नो। अच्छा तो मेरी बात सुनो, अच्छा रुके मैं आपको सुना दूं, पंद्रह रमजान के बाद जब बोलो क्या जिधर को शॉपिंग मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वो तो अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो और क्या, तो मेरी मर्जी, मैं ले जाऊंगी आपको, मैं जहाँ लेके लग जाना है अब। अच्छा। तो आपको जाना पड़ेगा, शौक से तो वो होता है कि इंसान अपने शौक से जाए, नहीं भाई मैं बीवी के लिए लेने के लिए जाऊंगा कोई चीज, तुम्हें तो बाहर कोई चीज नजर भी नहीं आती,
जवाद कुछ लेके आया मेरे लिए? मैंने कहा मैंने क्यों देखना था, मैंने क्या देखना, देखा करो अच्छी बात होती है। चलो ठीक है, आज का क्या टॉपिक? टेंड करा आगे आ गए हो गजल, टेंड करा आगे आ गए हो गजल दे है अम्मा कहे टीना कहे इसको टीना। आज हम जवाद का नाम रखेंगे टीना, चार टीना मैंने कसम से जब से मतलब इसने संभाला ना, मैंने इसकी इतनी ही कटिंग की। देखिए अब आर्मी पब्लिक स्कूल में तो नहीं है ना कि अब ये इस किस्म की कटिंग कराएगा, नहीं पहले था ना तब तो कराई थी। शौक हुआ तो मैंने कहा इसकी कटिंग और इसके फेस पे अच्छी लगती है ना, ये वो दादा जैसी लुक आती देख जरा। हाँ। अच्छा सब चीजें छोड़ दो, नहीं मुझे शरीफ इंसान पसंद है, मुझे दादा नहीं पसंद आप रहे हो मेरे दादा, मुझे दादा। चल बस क्या कर जवाब, बस क्या कर, बस क्या कर, लाए वो शॉपिंग दिखाते हैं इनको। अच्छा पहले छोटी के कपड़े दिखाते, हाँ जी ये देखें जी हम लेके आए हैं ये देखिए, अभी इसके साथ हमने वो चूड़ियाँ चूड़ियाँ हर चीज लेनी है। हाँ चूड़ियाँ भी लेनी है, अभी जूता ले लिया था, चूड़ियाँ रह गई हैं। ये प्लाजो, प्लाजो और ये है जी शर्ट, तेरे रंग रंग तेरे, ये देखिए और इसके बाजू अंदर है फैमिली, इसके बाजू अंदर है। हाँ ये फ्रॉक टाइप कुछ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था तो हमने उसकी नेकलाइन भी दिखाई ना, ये राइट वेरी प्रिटी है ना, आपसे कम चल झूठा। इसके साथ इसका शूज माशाल्लाह आप लोग को, ये इसके साथ इसकी चप्पल, क्योंकि छोटी को पसंद है कि अम्मा अभी हील ना लेके दूं वो पहनूं। हाँ वो कंफर्टेबल नहीं होती इनमें, तो उसने अपनी बड़ी बहन को ये कहा था कि मेरा शूज ना हील वाला ना हो। हम्म, तो हमने कहा चलो ठीक है। एक ये है और एक वो परफ्यूम भी मैं लेके आई थी, मुझे बड़ा पसंद था उनके लिए, सेरीन परफ्यूम बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ चूड़ियाँ मेहंदी और मिठाई और जो भी अल्ट्रम पल्ट्रम ने देना वो हम लोग कल या परसों ही जाएंगे ना। हाँ। कल अगर गए तो ले आएंगे, कल असल में हमारे घर है मिलाद मौला की, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद वज्जुल फराज मजमईन, 15 रमजान को विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम होती है हमारे घर, उसकी थोड़ा सा एक वो पहले हम लोग बैठ के पढ़ चढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत वो कसीदा वगैरह पढ़ लेंगे और फिर होती है इफ्तारी। तो कल हमने इंशाल्लाह जाना है सामान लेने के लिए, तो वो भी आप लोग देखेंगे। हाँ। तो तभी अगर हमें कुछ नजर आ गया तो हम हाँ। साथ पकड़ लेंगे मेहंदी वगैरह। हाँ। और चूड़ियां वगैरह वहीं से पकड़ लेंगे, इसके मुताबिक लेना तो थोड़ा चलना पड़ता है आज, वैसे भी बहुत रश है। हाँ तो एक दो दिन में जो भी कंप्लीट हो जाए साथ तो सही बात है, हमारा ये हो जाएगा तो हमने एक दो दिन के बाद ही जाना है छोटी के घर। ठीक हो गया, जब हम वहां जाएंगे आप लोगों को वहां को भी दिखा देंगे। खैर व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, अगर आपको जवाब की कैडेट करते हो गजल छोटे कराए थे आप सबको याद होगा, मैंने से कुछ नहीं कहा, मैं प्यारी मेरा दिल बड़ा है तो मैं क्या लग रहा प्यारी लग रही थी, नहीं तो मैं क्या लग रहा तो मैंने कहा था टिंडा होगा यार। गजल देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें जब मेरे हक में कमेंट आना शुरू होंगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों को बुरा लगा। तो मैंने पहले ही कहा था लोगों को जो मर्जी लगे, मैं तुम्हारी बीवी हूं, लोगों को क्या लगे यार, अच्छा लग रहा। अच्छा चलें खैर खत्म कर देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा, माफ किया हमने आपको, जाएं ऐसे नहीं हद हो गई है, सही कह रही हूं, अच्छा लग रहा हूं, सही में अच्छा लग रहा हूं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा और जवाब की तारीफ कर दें नीचे कमेंट में जाके, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर को होश आई कि मैंने कटिंग करानी है और मैंने शेव शूट करानी है, तो वी रियली अप्रिशिएटेड जवाब, थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएटेड। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, छुपे बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।